आज ना मेरी किचन में बन रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी जो ग्लूटेन फ्री है और सुपर हेल्दी है। ये है मखाना चाट या मखाने की भेल। इसके लिए हमें पहले चटनी तैयार करनी होगी जो कि मैं पुदीने और धनिये की पत्ते से तैयार करूंगी। इसके लिए हमें कुछ बादाम चाहिए, लगभग 1 टेबलस्पून। इसमें 2 लहसुन और 2 मिर्ची मैं दे रही हूँ, हरी वाली। आप चाहें तो मिर्ची कम या ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसमें मैं नमक देके पहले ड्राई ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए उसका पाउडर बन गया है। इसमें अभी मैं मिलाऊंगी पुदीने के पत्ते और हरी धनिया। जैसे कि हम जानते हैं मखाना बहुत जल्दी मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, तो हमें एक गाढ़ी वाली चटनी बनाना है। इसे ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाना है। इसमें कुछ लेमन जूस मैंने दे दिए हैं 1 टेबलस्पून, और पानी कम देंगे। और मैं इसमें दही मिला लूँगी 2 टेबलस्पून, ताकि इसमें खट्टापन आए। और ये आइस क्यूब 4 से 5 में मिला रही हूँ ताकि ये बाद में ब्लैक ना हो जाए चटनी, उसकी कलर बरकरार रहेगी। देखिए इसी टाइप का चटनी चाहिए। और एक हैवी बॉटम पैन में मैं ले लूँगी ऑलिव ऑयल। इसकी जगह आप रिफाइंड ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं। एक टेबलस्पून में ले ली हूँ घी या ऑलिव ऑयल। इसमें हम पहले बादाम को रोस्ट कर लेंगे अच्छी तरह। अभी मैं मखाने को उसी ऑयल में भून लूँगी। दोनों को अलग अलग भूनेंगे क्योंकि दोनों को बनने में अलग टाइम लगते हैं। मखाना लगभग 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। इसको अगर आप हाई फ्लेम में भून लेंगे तो ये इसका क्रंचनेस नहीं आएगा, इसलिए हमें इसे धीरे धीरे लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। पहले हम चेक करेंगे ये हुआ कि नहीं। देखिए नहीं हो रहा है। फिर उसे 2-3 मिनट ऐसे भून लेंगे। इसको हाथों से तोड़ के चेक करना पड़ेगा ये हुआ कि नहीं है। फिर एक बार हम चेक करेंगे। देखिए अभी भी नहीं बना है। याद रखिएगा फ्लेम को लो में ही रखना है। और देखिए अभी ये हो गया है। इसको हम अभी फ्लेम को हम बंद कर देंगे। मखाना बहुत जल्दी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमें ये रेसिपी को इमीडिएटली ही सर्व करना है। इसमें मैं दे रही हूँ थोड़ा हल्दी, नमक और जो हमने बादाम भून के रखे थे वो सब मिला लूँगी। फ्लेम अभी बंद है। यही वाले मखाना मार्केट में मिलते हैं। इसे अगर आप कुछ हर्ब्स या स्पाइस या पम्पकिन सीड्स मिला लेंगे तो ये भी एक स्नैक आपके लिए तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसको भी हम पम्पकिन सीड्स या जो कद्दू के सीड्स होते हैं बीज, उनको भी हम भून लेंगे इसके साथ। इसको भी आप मिला के रख लेंगे तो ये भी आपके एक रेडी हो गया है स्नैक्स। अगर आप इसे रख देंगे तो ये भी एक स्नैक होगा। लेकिन हम अगर भेल बना रहे हैं तो अभी एक बड़े वाले बर्तन में हम सबको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। आपके पास जो भी अवेलेबल हो भेजी वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर टमाटर भून ले रही हूँ अच्छी तरह, फाइनली चॉप किए हैं इसे। एक मीडियम साइज का मैंने लिए थे और टमाटर, और एक मीडियम साइज का प्याज भी मैं ले रही हूँ चाट में। और एक स्वीट कॉर्न है, ये 1 टेबलस्पून है, इसे भी हम ऐड करेंगे।
मखाना बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशस होते हैं। इसमें मैं दे रही हूँ चॉप्ड अमरूद या ग्वावा, इसके जगह आप कच्चे आम का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे टेस्ट आएंगे। और ये दो हरी मिर्च बारीक बारीक कट कर लिए हैं और कुछ धनिये के पत्ते भी इसे मिला लेंगे। और ये मैं घर पे बनाई हूँ गुड़ और इमली की चटनी, बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये रेसिपी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगी। और ये सेब मैंने दे दिए हैं, चाट में सेब बहुत अच्छे लगते हैं। इसे हम इमीडिएटली ही रेडी करेंगे। ये मैं दे रही हूँ पेपरिका, ये ऑप्शनल है। अभी मैं कुछ पोमेग्रेनेट्स दे दूँगी, पोमेग्रेनेट्स के या अनार के बगैर तो चाट अधूरी है, तो इसे भी हम मिला लेंगे। लगभग 2 टेबलस्पून, एक क्रैनबेरी है, ये ऑप्शनल है, मेरे पास थे तो मैं ऐड कर रही हूँ। इसे खट्टा बनाएगा। और अभी हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है ग्रीन चटनी, इसे भी हम मिला लेंगे। इसे एक खट्टापन और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसे हम सब अच्छी तरह मिला लेंगे। फिर मखाना वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसे एज ए स्नैक आप लेंगे तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। इसमें कैलोरीज भी बहुत हैं। ये स्किन के लिए, हेयर के लिए और नेल के लिए बहुत ही अच्छे हैं। रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है बच्चों के लिए और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, ये भी बहुत अच्छे हैं। ग्लूटेन फ्री है। इसे हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक जैसे बना सकते हैं हम, और इसे मीठे कोट देके बना सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। और ये रायता भी बनाते हैं इसमें और सब्जियां भी बनते हैं। इसके खीर तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। ये हाईली न्यूट्रिशियस एक रेसिपी है, जिनको वेट लॉस करना है ये ज़रूर इंक्लूड करें अपने डाइट में। इसमें फैट 0.1% ही होते हैं, तो ये हार्ट पेशेंट इसे खा सकते हैं खुशी खुशी। जिनको बीपी है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं ये, अपनी डाइट में हमें इंक्लूड करना चाहिए। पॉपकॉर्न जो हम बनाते हैं इसके जगह हम मखाना को भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपके साथ अलग अलग हेल्दी वीडियोस शेयर करूंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी हेल्दी वीडियोस देख सकते हैं। इस रेसिपी को फ्रेंड्स आप जरूर ट्राई करें, रियली बहुत ही अच्छे बनते हैं और सुपर डिलीशियस है। इसे यहाँ के टेस्ट आएगा और आपके बॉडी को भी बहुत ही न्यूट्रिशन मिलेंगे। बच्चे भी इसे पसंद करते हैं और बड़े भी पसंद करेंगे। आप ये रेसिपी आपके फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि सभी मखाना की बेनिफिट जान सकें।